प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। 2.3 के प्रश्न हल करने से पहले मैं कुछ प्रमेय या आप इसको उदाहरण कह सकते हो वो समझा रहा हूँ, क्योंकि बिना उनके समझे हम 2.3 को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पहले एक प्रमेय बता रहा हूँ आपको। सिद्ध करो कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको यू मान लेवे, माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, मतलब सिद्ध तो अपरिमेय करना है पर हम मान क्या रहे हैं, परिमेय। अब आपने पढ़ा है कि कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर नॉट जीरो हो, a व b पूर्णांक हैं और सहअभाज्य संख्या है। जिसे को प्राइम नंबर भी कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में, आठवीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। वो नहीं पढ़ा है तो भी ध्यान दें कि कोई भी परिमेय संख्या हो तो उसे हम ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बी बराबर नॉट जीरो हो, यहाँ ए और बी पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक हैं, और सहअभाज्य मतलब इन दोनों में एक के अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। मतलब इन दोनों में अगर कोई कॉमन है तो वो केवल वन है और कोई कॉमन नहीं है, उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। अब आप देखो, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेता हूँ मैं यहाँ। अब ये इससे और ये इससे वह गुणा करें आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए को एक से गुणा करेंगे तो ए, इसको इससे गुणा करो तो रूट दो बी। इस रूट को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दो वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो इधर तो बनेगा ए स्क्वायर, और इधर जब वर्ग करेंगे तो रूट दो का केवल दो बन जाएगा और बी का बी स्क्वायर। अब ये एक आधारभूत प्रमेय है इस गणित की कि यदि दो ए स्क्वायर को पूर्ण विभाजित करता है तो दो ए को भी पूर्ण विभाजित करेगा। कि हमें ये थोड़ा ध्यान देना है कि यदि दो इस ए स्क्वायर को पूर्ण विभाजित करता है तो ये दो ए को भी पूर्ण विभाजित करेगा, ये प्रमेय है, उसके आधार पे मैंने ये लिखा है। तो हमें ये याद करना है एक तरह से ये लैंग्वेज। अब हम ए बराबर या दो है तो दो से लेना है, अगर यहाँ तीन लिखा होगा तो तीन से लेना है, अगर यहाँ पाँच आ जाए तो पाँच से लिखें। अब हम a बराबर टू c लिख सकते हैं, जहाँ c पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। पुनः स्क्वायर करें आप, क्यों करें स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए। जब इधर स्क्वायर करेंगे आप तो ए स्क्वायर, इधर करेंगे तो दो का स्क्वायर चार, सी का सी स्क्वायर। अब ये आपके इक्वेशन वन डाल दें, यहाँ आप इक्वेशन डाल दें टू। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, ए स्क्वायर के बराबर है दो बी स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर बराबर चार सी स्क्वायर। देखो आप ध्यान से कि ये और ये बराबर है, यानी ये बराबर हो तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं,
ये LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरण की अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2b² बराबर 4c² मतलब इसको इसके बराबर रख दे। अब ये 2 × में तो अपॉन में ले आओ, तो अगली स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं, b² बराबर 4c² अपॉन ये 2। अब 2 से इसको भाग दे दो, 2 × 4 ये c². अब वापस वही लेंगे कि 2b² को, 2b² को पूर्ण विभाजित करता है, तो 2b को भी पूर्ण विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा, पढ़ो इसको, 2a को पूर्ण विभाजित करेगा, यहाँ लिखा 2b को पूर्ण विभाजित करेगा, मतलब a और b दोनों में 2 कॉमन है, अतः 2 a व b में कॉमन है, कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ, हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं, अतः 2a व b में सर्वनिष्ठ हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य का मतलब a और b में केवल एक कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, जबकि यहाँ क्या लिखा आ रहा है कि 2a और b में कॉमन है, तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया। देखो कि यहाँ तो ये बोल रहा है कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है एक के अलावा, और यहाँ ये लिखा आ रहा है कि 2a और b दोनों में कॉमन है, तो ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत माना है कि ये परिमेय संख्या है, तो रियल में क्या है, अपरिमेय संख्या, इससे सिद्ध होता है। अब हमें यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देवें कि भाई 2a व b में सर्वनिष्ठ है, अतः यह एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः यह एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि a व b में एक के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वनिष्ठ अंक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है, कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका सिद्ध हो गया। तो हमें जब √2 को सिद्ध करना है तो इस प्रकार सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ लैंग्वेज कठिन लगेगी, शुरुआत आपको कठिन लगेगी, पर यदि आप इस क्वेश्चन को 2 बार और करते हैं तो ये लैंग्वेज थोड़ी आपको याद जाएगी और आपको आसान लगेगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये 2 की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ 3। क्वेश्चन ये बन गया, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मुझे ये सिद्ध करना है तो मुझे क्या चेंज करना, देखो आप फर्स्ट लाइन ये लिखनी पड़ेगी, माना कि √3 जहाँ 2 है वहाँ ये लिखना पड़ेगा 3, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है,
सिद्ध तो अपरिमेय गणना है, पर हमें क्या इसका उल्टा मानना है कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है। अब जहाँ दो है वहाँ तीन कर दो आप, ऐसे कि भाई परिमेय संख्या जैसे अपन ए बटा बी के रूप में लिखेंगे, ए बटा बी के रूप में, जहाँ बी नॉट इक्वल जीरो, ए व बी पूर्णांक है, बस है बस संख्या सारा क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, फिर क्रॉस गुणा करो तो ए कम ए और रूट तीन ही आ जाएगा। फिर वर्ग करने पर, अब जब वर्ग करेंगे तो ए का ए स्क्वायर, रूट तीन का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा तीन, ये कर दिया मैंने यहाँ तीन, और बी का बी स्क्वायर। अब यहाँ तीन है तो आपको यहाँ तीन करना है, यहाँ भी तीन कर देता हूँ, यहाँ भी तीन कर देता हूँ। ये देखो कि यदि तीन ए स्क्वायर को पूर्ण विभाजित करता है तो तीन ए को भी पूर्ण विभाजित करेगा। अब हम ए बराबर यहाँ तीन हो गया तो आपको भी यहाँ तीन करना पड़ेगा, ए बराबर थ्री सी लिख सकते हैं, जहाँ सी एक पूर्णांक है। अब इसका आपको वर्ग करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग करने पर ए का ए स्क्वायर, तीन का जब स्क्वायर करोगे तो बनेगा नौ, और सी का सी स्क्वायर। अब समीकरण एक और दो को देखो, या समीकरण नंबर एक डाल दो या समीकरण नंबर दो डाल दो, समीकरण एक व दो से ये दोनों बराबर है इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो तीन बी स्क्वायर के बराबर नौ सी स्क्वायर, तो यहाँ तो जाएगा तीन बी स्क्वायर, इधर बराबर लिखेंगे नौ सी स्क्वायर, फिर तीन अपॉन में आ जाएगा इसके, तो यह आ जाएगा नाइन सी स्क्वायर अपॉन थ्री। अब तीन का भाग नौ में देंगे तो तीन बार जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर तीन सी स्क्वायर, फिर यहाँ आप जहाँ दो है वहाँ तीन कर दो, लैंग्वेज होगी तीन बी स्क्वायर को पूर्ण विभाजित करता है तो तीन बी को भी पूर्ण विभाजित करेगा, अतः तीन ए व बी में सर्वनिष्ठ है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी ये तीन जो है बी को विभाजित कर रहा है और यहाँ तीन ए को विभाजित कर रहा है, तो ए और बी दोनों में तीन कॉमन हो गया है, तो लैंग्वेज बन गई अतः तीन ए व बी में सर्वनिष्ठ है। अतः यह एक विरोधाभास होता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त अन्य कोई सर्वनिष्ठ अंक है। ये विरोधाभास समय त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सिद्ध हो गया, देखो आप थोड़ा सा चेंज करने पर हमने देखा कि ये सिद्ध हो रहा है। तो एक बार आपने अगर एक लैंग्वेज थोड़ी सी याद कर ली तो यहाँ रूट दो आओ, रूट तीन आओ, रूट पाँच आओ, अपने आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाते हैं। सिद्ध करो कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। एक बार मैं और लेना चाह रहा हूं, इससे आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा और प्रश्नावली हल करते समय आपको सुविधा होगी। माना कि रूट पांच एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है परिमेय, पर मैंने यह लिख दिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब जब भी कोई परिमेय संख्या होती है तो आपको पता है उसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये सवाल बड़ा है इसलिए कि a बटा b, परिमेय संख्या को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल जीरो। अब आपको कुछ नहीं देगा, यहाँ एक लिख सकते हो, ये इससे ये से वह गुणा कर लें, ए एकम एक, ए एकम ए और रूट पाँच बी बराबर में लिख दो। रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है तो यहाँ लिख दो वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब इधर स्क्वायर करोगे ये आ गया, इधर स्क्वायर करेंगे ध्यान देना तो रूट पाँच का स्क्वायर बनता है पाँच और बी का बी स्क्वायर।
वर्ग मतलब स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ये बन गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 और बी का भी स्क्वायर, समीकरण एक डाल दो यहाँ। फिर एक लैंग्वेज जो आपको याद करनी है, 5 ए स्क्वायर को पूर्ण विभाजित करता है अतः 5 ए को भी पूर्ण विभाजित करेगा। अब हम यहाँ 5 आ गया तो ए के बराबर 5 सी लिख सकते हैं। अगर यहाँ 3 आओ तो 3 सी लिखें, या 4 हो तो 4 सी, जो भी अंक आएगा वो लेना अपन को, जहाँ सी एक पूर्णांक है आप चाहो तो लिख सकते हो, जहाँ सी एक पूर्णांक है। अब वापस वर्ग करो, वर्ग करने करो, वर्ग स्क्वायर ए का ए स्क्वायर, 5 का करोगे तो 25 सी का सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप ध्यान पूर्वक देखो, ए बी ए स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर दोनों बराबर है, इसलिए इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, तो 5 बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर। अब 5 इसके बटे हुए ले आओ तो बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर के बटे हुए 5, 5 से भाग दीजिए इसको, 5 25 और सी स्क्वायर। अब लैंग्वेज देखो, 5 बी स्क्वायर को 5 बी स्क्वायर को पूर्ण विभाजित करता है अतः 5 ए को भी पूर्ण विभाजित करेगा। अब यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ बी है, सॉरी मैंने ये लिख दिया है, वापस भी कर देता हूँ, लैंग्वेज जान दो, 5 बी स्क्वायर को पूर्ण विभाजित करता है अतः 5 बी को भी पूर्ण विभाजित करेगा। यहाँ लिखा हुआ 5 बी को पूर्ण विभाजित करेगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 5 ए को पूर्ण विभाजित करेगा, मतलब ए और बी दोनों में 5 कॉमन है, अतः ए व बी में 5 सर्वनिष्ठ है, अतः ये एक विरोधाभास है, अतः ये एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है, कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ जो माना है वो गलत माना है, इसलिए विरोधाभास है। या हम कह रहे हैं कि ए और बी सहभाज्य, मतलब सहभाज्य मतलब इन दोनों में एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है ए और बी में, जबकि यहाँ लिखा रहा है ए और बी में 5 कॉमन है, तो ये दोनों विरोधाभास है। ये विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने यहाँ जो माना है वो ये माना कि ये परिमेय संख्या है, तो हमने यहाँ गलत माना है, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हुआ है।
अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर प्रूफ। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, इससे टॉपिक और क्लियर होगा। सिद्ध करो कि तीन रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? हम एक एग्जांपल मान लें, आप सिद्ध करो कि तीन रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अब सॉल्यूशन देखो, आप माना तीन रूट दो एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना परिमेय पर मानना आपको यहाँ परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ a व b से अभाज्य संख्या है। a व b सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य मतलब जिसमें एक के अलावा और कोई चीज कॉमन ना हो, यानी इन दोनों में केवल एक कॉमन है और b नॉट इक्वल जीरो। अब आप ध्यान दो कि ये तीन रूट दो, इसमें ये जो तीन है ये रूट दो से एक तरह से इंटू के रूप में लिखे हुए हैं, तो इसको आप नीचे ला सकते हो इस प्रकार। तो मैं रूट को यहीं रख रहा हूँ, उस तीन को नीचे ला के इससे वह गुणा कर रहा हूँ, तो a बटा तीन भी हो गया। a, b और तीन पूर्णांक हैं, a, b और तीन पूर्णांक हैं, इसलिए a बटा तीन b एक परिमेय संख्या है। भाई ये तीनों पूर्णांक है, इसलिए इनसे बनने वाली जो संख्या होगी वो परिमेय होगी। अब ये यदि परिमेय है तो परिमेय के बराबर परिमेय होती है, इसलिए रूट दो भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने गणित के नियम पढ़े हैं कि परिमेय संख्या के बराबर सदैव परिमेय संख्या होती है। तो अगर ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर परिमेय होगी, तो रूट दो भी क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या, अभी हमने सिद्ध किया था थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध किया था कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं देखो, परंतु हम जानते हैं कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता है रूट दो एक अपरिमेय है और यह लिखा रहा है रूट दो परिमेय है, तो ये एक विरोधाभास है, अतः यह एक विरोधाभास है। ये एक विरोधाभास है, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि तीन रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। तो हमें थोड़ी सी लैंग्वेज ध्यान रखनी है। अब हम एक एग्जांपल और करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 6 प्लस रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। अब सॉल्यूशन की ओर जाते हैं हम। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। पहले आप इसको परिमेय मान ले, सिद्ध तो करना परिमेय पर मान लो आप परिमेय। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल 0। अब आप इसमें देखो कि यहाँ एक प्लस चिन्ह लग रहा है और लिखा हुआ 6 प्लस रूट 2, तो रूट के अलावा जो भी अंक दे रखा है उस अंक को आप इधर पक्षांतरण कर देवे, तो हम यहाँ पक्षांतर करेंगे 6 का, तो इधर क्या जाएगा रूट 2 बराबर लिखो a बटा बी, 6 आते ही माइनस का हो जाएगा ये। अब हमें इधर एलसीएम लेना है, बराबर लगाया a बटा बी माइनस 6, तो एलसीएम लेंगे तो केवल b आएगा, नीचे b है इसलिए b से हम b को भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को a से गुणा करने पर a आएगा। अब b इस 6 से गुणा कर लो तो ये बन गया 6b, क्योंकि बटे में अगर कुछ भी नहीं हो तो आप इसको इससे डायरेक्ट गुणा करें तो ये बन गया 6b। इधर लिख दो आप रूट 2। अब देखिए a b a b और 6 पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो गणित का ये नियम कहता कि परिमेय संख्या के बराबर सदैव परिमेय संख्या ही होती है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और पता हमने सिद्ध किया था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ क्या लिखा है रूट 2 एक परिमेय, तो ये क्या हो गया विरोधाभास, यहाँ परिमेय लिख रहे हैं और यहाँ अपरिमेय, तो ये क्या एक विरोधाभास है, अतः ये एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा है कि आपको ये सारे जो एग्जाम्पल और प्रमेय मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो प्रश्नावली 2.3 है उसके प्रश्न, क्योंकि अभी हमने आपको ये इसलिए समझाया कि जब मैं 2.3 आपको समझाऊँ तो वो आसानी से समझ में आ जावे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।